और हम सबसे पहले आरंभ करते हैं, सबसे पहले आरंभ करते हैं हमारे युवा शिक्षक कवियों में से। आपकी गर्मजोशी की कविताएं हमने काव्यांजलि की मैगजीन में देखी हैं, भरपूर गर्मजोशी और स्वागत के साथ मैं आपको का अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय श्री दीपक उनियाल सर से आग्रह करूंगा कि वह आज की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इस शानदार शाम की शुरुआत करें, अपना माइक और कैमरा खोल करके अपनी कविताओं को, रचनाओं को हम सभी के समक्ष रखें। मैं बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं सर, कृपया करके आज की शाम की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा एक विशेष अनुरोध है सभी प्रतिभागियों से और हमारे अन्य जो शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं, कि अगर संभव है तो आप सभी अपना कैमरा खोल लें, माइक को बंद ही रखें, कैमरा खोल लेंगे तो यह कार्यक्रम और विशेष हो जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है, अगर संभव है तो आप लोग कृपया करके अपना कैमरा खोल लीजिए। आज की शाम बहुत खूबसूरत और बहुत यादगार होने वाली है ग्राफिक एरा के इतिहास में, तो मेरा सभी से आग्रह है। आप सबको मेरा नमस्कार, आदरणीय शिक्षकगण, मेहमानों तथा इस विराट काव्य गोष्ठी के संयोजक शिक्षक व छात्र छात्राओं, आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय की साहित्यिक समिति काव्यांजलि का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कविताएँ नहीं लिखता हूँ, परंतु जो भी आज तक लिखा है वो दुनिया में घट रही घटनाओं के जो भी अनुभव हैं या जो भी उनसे महसूस किया है उसका ही एक अंश है। यह ईश्वर की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद का फल है जिससे मैं इस अनुभव के कुछ हिस्से कागज पर उतार पाया हूँ, और आशा करता हूँ कि जो कविताएं मैं आपको यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ आपको पसंद आएंगी। वैसे तो कविताएं काफ़ी लिखी हैं, परंतु यहाँ पर मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी दो कविताएँ सुनाने वाला हूँ। ये दोनों कविताएं मैंने लगभग एक ही वक्त लिखी थी, जिसमें एक कविता हमारे अस्तित्व की बात करती है और अस्तित्व पर सवाल उठाती है कि हम असल में हैं कौन, और दूसरी कविता एक जवाब देने की कोशिश करती है जो कि शायद कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, और वो कविता फिर से एक सवाल ही समाज के सामने खड़ा कर देती है। तो अंत में आपको लगेगा कि शायद दोनों ही कविताएँ सवाल हैं और कोई भी जवाब हमें नहीं मिलता है। असल में यही सार भी निकलता है कि कभी कभी सवालों के जवाब खुद सवाल होते हैं जिनका जवाब बहुत मुश्किल होता है, और दोनों कविताओं में आपको कहीं ना कहीं विरोधाभास या तुलनात्मकता का एहसास भी कहीं कहीं होगा। तो अब शुरुआत करते हैं मेरी दोनों कविताएं जिनके शीर्षक हैं, दोनों एक के बाद एक लिखी गई हैं तो इसीलिए मैं दोनों को सुनाना चाहता हूँ। तो पहली कविता है कौन हूँ मैं, और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है निःशब्द हूँ मैं। तो आइए पहली कविता की शुरुआत करते हैं, कौन हूं मैं। कृष्ण हूं मैं पांडवों का या कौरवों का कर्ण हूं, नेत्रहीन धृतराष्ट्र सा या कोई विकर्ण हूं। हूं द्रोण सा तेज मैं या कोई कुंभकर्ण हूं, चमक रहा हूं मैं परंतु रेत हूं या स्वर्ण हूं। है मनुष्य जब सभी तो कौन सा मैं वर्ण हूं, कृष्ण हूं मैं पांडवों का या कौरवों का कर्ण हूं। अग्निशा मैं उग्र हूं या वायुशा प्रचंड हूं, अखंड हूं मैं ज्योत कोई या अनेक खंड हूं। हूं विनय में राम की या परशुराम का घमंड हूं, हूं दया में कृष्ण की या कंस सा उदंड हूं। क्रूर हूं जो दानवों सा तो चंड हूं या मुंड हूं, अग्निशा मैं उग्र हूं या वायुशा प्रचंड हूं। अंधकार में प्रकाश हूं या कोई अंधकार हूं, इंद्र की मैं जीत हूं या राक्षसों की हार हूं। हूं कुसुम मैं विष्णु का या वज्र का प्रहार हूं, कुरूप हूं मैं मंथरासा या सिया का श्रृंगार हूं। दास्तां हूं अनसुनी कोई या पुस्तकों का सार हूं, अंधकार में प्रकाश हूं या कोई अंधकार हूं। युधिष्ठिर का धर्म हूं मैं या विदुर का ज्ञान हूं, हूं निकृष्ट अश्वत्थामा सा या कर्ण जैसी आन हूं। प्रण हूं मैं भीष्म का या द्रौपदी का मान हूं, क्षीर सा मैं मौन हूं या नदी सा बखान हूं। मंदिरों की प्रार्थना हूं या कोई अजान हूं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। तो यहाँ पे प्रथम कविता का अंत होता है। दूसरी कविता जो इसकी कंटिन्यूटी में लिखी गई है मैं वो शुरुआत करना चाहता हूँ।
जिसका शीर्षक है निशब्द हूं मैं। निशब्द हूं मैं, छल से प्रपंच से कूटनीति और षड्यंत्र से, इस कठोर तंत्र से राजनीति के कुमंत्र से, अमावस के सूर्य से और पूर्णिमा के चंद्र से, अंधभक्ति मंत्र से और इस निजीव तंत्र से, निशब्द हूं मैं। निशब्द हूं मैं नदी के बहाव से और हवा के दबाव से, जोगियों के भाव से और साधु के स्वभाव से, सत्य के अभाव से और झूठ के प्रभाव से, शत्रुओं की चाह से और मित्र वर्ग के घाव से, निशब्द हूं मैं। निशब्द हूं मैं काल के कुचक्र से और टूट रहे सब्र से, बेवजह के फक्र से और बेवजह की फिक्र से, अति विशेष छत्र से और अति विशेष जिक्र से, जिंदगी के वक्र से और भाग्य के नक्षत्र से, निशब्द हूं मैं। हाँ, निशब्द हूं मैं। धन्यवाद। बहुत अद्भुत रचना माननीय सर। बढ़िया अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया कविता। धन्यवाद सर। ये मैं मुझे सर आपने पिछले सेमेस्टर पढ़ाया है और कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आप इतना खूबसूरत शानदार हिंदी का प्रयोग करते होंगे। तो मैगजीन के समय जब आपकी रचना प्राप्त हुई तो मैं खुद स्तब्ध था। तो ये बहुत शानदार और आपसे बहुत सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।